हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि महिलाओं की योनि से निकलने वाला सफेद पानी या श्वेत पदार्थ जिसे ल्यूकोरिया कहते हैं, इसका क्या इलाज करें। तो इस वीडियो में आप मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहे, क्योंकि इस वीडियो में हम वो सब बातें डिस्कस करेंगे जैसे ल्यूकोरिया क्या होता है और क्यों होता है, ल्यूकोरिया होने के लक्षण क्या हैं और ल्यूकोरिया है तो खाने में क्या खाएं और साथ ही साथ कौन सी दवा लें। तो फ्रेंड्स, चले स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुर्वेदा हेल्थ एंड वेल्थ। ल्यूकोरिया को सामान्य भाषा में सफेद पानी या श्वेत पदार्थ भी कहा जाता है। यह महिलाओं में होने वाली एक आम बीमारी है। इसमें योनि से सफेद रंग का गाढ़ा और दुर्गंधयुक्त पानी निकलता है। किसी तरह का इन्फेक्शन होने पर स्राव पीले, हल्के नीले या हल्के लाल रंग का और बहुत चिपचिपा एवं बदबूदार होता है। यह किसी योनि या गर्भाशय से संबंधित रोग का लक्षण भी हो सकता है। ल्यूकोरिया का उपचार ना करने पर महिला का स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है। अलग अलग महिलाओं में स्राव की मात्रा एवं समयावधि अलग अलग होती है। इसके कारण प्रजनन अंगों में सूजन आ जाती है। और गाइस, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करना मत भूलना। तो अब बात करते हैं ल्यूकोरिया क्यों होता है। निजी अंगों की साफ सफाई न रखने, खराब जीवन शैली, खान पान और यौन मार्ग में संक्रमण आदि की वजह से योनि से सफेद पानी आने लगता है। 70% महिलाओं को 25 से 30 साल की उम्र के बाद ल्यूकोरिया की समस्या होने लगती है, जबकि 30% महिलाओं को ये समस्या कम उम्र में ही हो जाती है। लंबे समय तक ल्यूकोरिया कैंसर का खतरा बन सकता है। ल्यूकोरिया में योनि से सफेद पदार्थ निकलता है। और अब बात करते हैं ल्यूकोरिया के लक्षण की। योनि मार्ग में तीव्र खुजली और चुनचुनाहट होना, कमर में दर्द बना रहना, कमजोरी महसूस होना और चक्कर आना, बार बार पेशाब आना, भूख न लगना और जी मचलाना और आँखों के नीचे काले घेरों का आना, इस रोग के लक्षण हैं। इसमें महिलाओं का चेहरा पीला पड़ जाता है। इसके अलावा स्थिति और भी गंभीर बन जाती है, जब धीरे धीरे जवान महिला भी इस समस्या के कारण ढलती उम्र की दिखाई देने लगती है। और अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो के है खाने में क्या खाएं। तो ऐसी समस्या में आप ले सकते हैं पुराना साली चावल, दलिया, बाजरा और पतली खिचड़ी। इसी के साथ आप दालों में ले सकते हैं मूंग मसूर और काबुल चना। फल और सब्जियों में आप ले सकते हैं बथुआ, छोले, पालक, लौकी, पपीता, सेब, अनार, अंगूर और पका हुआ आम, छुआरा, अदरक, हरा धनिया और मौसमी सब्जी। और अब बात करते हैं इस रोग के लिए कौन सी दवा लें और कहां से लें। तो जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, इस दवा का नाम ल्यूकोथार-TDS है। ये दवा महिलाओं की व्हाइट डिस्चार्ज यानी सफेद पानी की समस्या को दूर करने में काम आती है। तो अब मैं आपको बताना चाहती हूं कि इस दवा की सामग्रियां क्या हैं। तो इसमें है यष्टिमधु, पीपलामूल, शीघ्रो, सुपारी, नाग केसर, अशोक केसर, दाशमूल, जटामासी, त्रिफला, शतावरी, अनंतमूल, चंदन, कौंच बीज, अश्वगंधा, गोकुर, लोथरक, कुकंतक और भस्मा जैसी जड़ी बूटियां हैं। तो ये दवा 100% आयुर्वेदिक है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, तो ये दवा बिल्कुल सेफ है। इस दवा को आप खाना खाने के आधे घंटे के बाद गर्म दूध के साथ ले सकती हैं। इसे आपको एक महीना लेनी है और लगभग 7 दिन में फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। एक बॉक्स में 60 कैप्सूल्स हैं, जो पूरे 30 दिन चलेंगे। बस आप कोशिश ये करें कि आप इसे बिना गैप के साथ लें। और इसे ऑर्डर करने के लिए स्क्रीन पर मेरा नंबर है, आप इस नंबर पर अपना नाम, फोन नंबर और एड्रेस पिन कोड के साथ सेंड कर सकते हैं। ये दवा आपको 4 से 5 दिन में कैश ऑन डिलीवरी पर मिल जाएगी। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी है इस प्रोडक्ट को लेकर, तो आप इस नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ आज की इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और साथ ही साथ एक कमेंट और एक लाइक भी जरूर दें। तो अब आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।